हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीएड की फाइल कैसे बनाई जाती है। हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। सबसे पहले हम अभ्यास पाठ योजना संख्या डालेंगे, जो भी आपका नंबर हो आप उसको लिखेंगे। उसके बाद महाविद्यालय का नाम डालेंगे, महाविद्यालय का नाम और एड्रेस को लिखेंगे। उसके बाद हम पाँच छोटे छोटे कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले दिनांक, उसके बाद कक्षा, उसके बाद विषय, उसके बाद अवधि और कालांश डालेंगे। उसके बाद हम आगे की हेडिंग है हमारी प्रकरण। प्रकरण में जिस पाठ का आपने बनाया हुआ है उसको आप डालेंगे। हमने जंगल का बनाया हुआ है, हम यहाँ पर जंगल को लिखेंगे। उसके बाद हमारी आगे की हेडिंग है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में मेरा पहला पॉइंट है छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। हमारी दूसरी पॉइंट है बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। तीसरा, बच्चों के द्वारा मातृभाषा का विकास करना। और हमारी चौथी पॉइंट है भाषा ज्ञान को अच्छे से समझना। उसके बाद हमारी आगे की हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में छात्रों को जंगल के बारे में बताना। दूसरी हमारी पॉइंट है जंगल में जानवर कैसे रहते हैं। हमारी तीसरी पॉइंट है छात्रों को नए नए शब्दों से अवगत कराना। और चौथी पॉइंट है बच्चों में जीव जंतु के प्रति संवेदना का सजीव वर्णन करना। हमारी आगे की हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी आप यूज करेंगे टीचिंग करते समय आप उसको यहाँ पर लिखेंगे, जैसा कि चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट। उसके बाद हमारी आगे की हेडिंग है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हमने तीन विधियों को लिया है, प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा व्याख्यान विधि और तीसरा प्रदर्शन विधि। उसके बाद हम आगे पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे हम छात्र जंगल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारा प्रस्तावना प्रश्न आ जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसमें तीन कॉलम बनाया हुआ है। सबसे पहले क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक कथन, तीसरा छात्र छात्रा कथन। छात्राध्यापक कथन में आप लोग कहाँ रहते हैं, पहला क्वेश्चन है, बच्चे जवाब देंगे घर पर। दूसरा पॉइंट होगा, अच्छा ये बताओ जानवर लोग कहाँ रहते हैं, बच्चे जवाब देंगे जंगल में। तीसरा पॉइंट है, जंगल के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे मौन हो जाएंगे, यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। उसके बाद हमारी आगे की हेडिंग होगी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम सब जंगल के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी आगे की हेडिंग है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम पाँच कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और श्यामपट कार्य। शिक्षण बिंदु में हमारा पहला पॉइंट होगा आदर्श वाचन, उसके बाद दूसरा होगा अनुकरण वाचन, तीसरा होगा उच्चारणाभ्यास, चौथा होगा व्याख्या और पांचवा होगा काठिन्य निवारण। आदर्श वाचन में सबसे पहले हम लिखेंगे छात्राध्यापक स्वयं पढ़ेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन में छात्राध्यापक बच्चों से पढ़ने के लिए कहेंगे, बच्चे अनुकरण वाचन करेंगे। उच्चारणाभ्यास में छात्राध्यापक बच्चों से शुद्ध उच्चारण करवाएंगे और छात्र छात्रा कथन में बच्चे उच्चारण अभ्यास करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है श्यामपटकार। श्यामपटकार में जो भी हमारा टॉपिक होगा हम उसको यहाँ पर लिखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर जंगल लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा आ जाता है व्याख्या। व्याख्या में हमने जंगल का एक्सप्लेनेशन किया है, जैसे प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बच्चों में जीव जंतुओं के प्रति संवेदना का सजीव वर्णन किया है। बच्चे कैसे खरगोश के प्रति मानवीय संवेदना को व्यक्त करते हैं जैसे वह एक सदस्य हो। खरगोश का नाम भी सोनू मोनू रखकर उसके प्रति दया का भाव व्यक्त किया गया है, परंतु सोनू के मरने के बाद मोनू ने भी भोजन पानी का परित्याग कर दिया। जैसे मनुष्यों में वेदना व्यक्त होती है उसी तरह जानवरों में भी वेदना दिखाई गई है। उसके बाद हमारी आगे की हेडिंग होगी काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में छात्राध्यापक बच्चों से कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगे और श्यामपटकार में लिखा जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ शब्द और अर्थ। शब्द में लिखेंगे बाकड़ा, जानवरों को रखने का पिजरा, रखने वाला पिजरा, नागवार, जो अच्छा ना लगे, हमजोली, साथी या सहयोगी। हमारी आगे की हेडिंग होगी बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ जंगल में लेखिका ने किसके बारे में वर्णन किया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, जंगल पाठ के लेखक कौन है। तीसरा पॉइंट होगा, बांकड़ा शब्द का अर्थ बताइए। उसके बाद हमारा होगा निरीक्षण कार्य।
निरीक्षण कार में छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया गया। बच्चे श्यामपट कार्य कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद हमारा होगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में जंगल पाठ की लेखिका कौन है। दूसरा क्वेश्चन होगा बांकड़ा शब्द का अर्थ बताइए। तीसरा क्वेश्चन नागवार शब्द का अर्थ बताइए। उसके बाद हमारी लास्ट हेडिंग होगी गृह कार्य। गृह कार्य में हम लिखेंगे बच्चों आप सभी प्रश्नों को लिखकर और याद करके आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।